अगर कोई डॉक्टर आपसे बोले कि आपकी सर्जरी की जाएगी, वो भी आपको बिना बेहोश किए, मतलब बिना एनेस्थीसिया के दिए, तो आप घबरा जाएंगे और डॉक्टर से दूर भाग खड़े होंगे। लेकिन ऐसा कारनामा मथुरा में हुआ है जिसे मेडिकल साइंस में मुमकिन नहीं माना जाता, उसे डॉक्टर अभिषेक शर्मा ने मुमकिन कर दिखाया है। डॉक्टर अभिषेक शर्मा ने बिना बेहोश करे कई लोगों की सटीक सर्जरी कर दिखाई है। दरअसल कई सालों से आयुर्वेदिक चिकित्सा पर रिसर्च कर रहे डॉक्टर अभिषेक शर्मा ने उन चीजों को संभव बनाकर दिखाया जिसे अब तक मेडिकल साइंस में असंभव माना गया था। इसके लिए उन्हें चार चार बड़े नामचीन अवार्ड दिए गए हैं। आमतौर पर अक्सर ऑपरेशन से पहले डॉक्टर मरीज को बेहोश करते हैं ताकि सर्जरी के वक्त मरीज को दर्द महसूस ना हो, लेकिन डॉक्टर अभिषेक शर्मा ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे ऑपरेशन के लिए मरीज को एनेस्थीसिया देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है और वो बिना एनेस्थीसिया दिए ही मरीज को बेहोश कर देते हैं, वो भी मंत्रों के माध्यम से। चौंकिए मत, डॉक्टर अभिषेक शर्मा ने सर्जरी करने के लिए मरीजों को मंत्रों के माध्यम से बेहोश करने का एक अनोखा तरीका खोज निकाला है और वो ऐसा कई बार कर चुके हैं। यहाँ तक कि एक घंटे से ज्यादा वक्त तक चलने वाली सर्जरी भी वो इसी तरीके से सफलतापूर्वक अंजाम दे चुके हैं और मरीज को भी कोई भी परेशानी नहीं हुई है। इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में चार वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे नाम आए हैं, उसके लिए रखी गई है, जिसमें पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड जो मैंने बनाया है वो ये बनाया है कि पेशेंट को मंत्रों के द्वारा अर्धबेहोशी में ले जाकर, अब चेतन मन को फोड़ करके अर्धबेहोशी में ले जाकर शल्य चिकित्सा करने के लिए। इसके बाद में पेशेंट का जो पेन है 90% पेशेंट में पेन बिल्कुल जीरो हो जाता है और पेशेंट को पता नहीं चलता है। तो जैसे हम पहले स्पाइनल एनेस्थीसिया देते थे तब पेशेंट को वो सर्जरी करते थे, लेकिन आज हम जो शारसूत्र चिकित्सा कर रहे हैं वो बिना स्पाइनल के कर रहे हैं और काफी दिनों से कर रहे हैं, बहुत अच्छे दिन। डॉक्टर शर्मा को उनके इस खास आयुर्वेदिक